हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। पुलिस ने बांदा शहर में सोमवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर जा रहे गाड़ी में सवार तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। बरामद विस्फोटक पहाड़ खनन में इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत सिविल लाइन इलाके के क्योटरा चौराहे का है, जहां सोमवार को सिविल लाइन चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो से 13 बोरी विस्फोटक बरामद किया गया। गाड़ी में सवार तीन आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। विस्फोटक की बोरियों में लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट लिखा है, जो कि करीब 650 किलो है। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से दो अतिरिक्त नंबर प्लेटें भी बरामद हुई हैं, जिनमें से एक सादी तो दूसरी में भाजपा का निशान के साथ नंबर लिखा हुआ है। गाड़ी की लगी नंबर प्लेटों में क्राइम ब्यूरो चीफ भी लिखा है। फिलहाल इसे पहाड़ों के खनन में इस्तेमाल करने वाला विस्फोटक मानकर पुलिस चल रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज सुबह जो है हम लोग चेकिंग कर रहे थे और एक गाड़ी स्कॉर्पियो जिसमें काली फिल्म लगी हुई थी, रोकने पर जो है बहुत तेजी से निकली है, जिसका पीछा किए तो आगे जाके ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी और भाग गया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें जो है लगभग 13 बोरी, जिसमें एक बोरी में 50 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो कि विस्फोटक है, और गाड़ी कबरे की है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और यह टेस्ट किया जा रहा है कि यह कहां से और किस पर्पज से लाया जा रहा है। तो किस तरह की सफलता मानती है पुलिस को? अब इस समय चेकिंग, क्योंकि दीपावली चल रहा है और उसके बाद चेकिंग अभियान में पकड़ा गया, तो ये अच्छी बात है। और जैसा कि यहाँ गिट्टी उट्टी के क्रेशर्स हैं, तो संभवतः उसमें प्रयोग करने के लिए लोग ले जाते हैं, अभी तस्दीक कराया जाना बाकी है। 21 अक्टूबर शहीद दिवस के मौके पर सारे देश में पुलिस के उन जवानों को याद किया गया जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। शहीदी धुन लास्ट पोस्ट बिगुल के साथ ही उन पुलिस फोर्स के अमर शहीदों को पुलिस डिपार्टमेंट ने सच्ची श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए वीरगति प्राप्त की। 21 अक्टूबर को सारे देश ने उन्हें याद किया। दमोह के पुलिस परेड ग्राउंड में भी शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जिले के जन प्रतिनिधियों ने भी शहीद स्मारक पर नम आंखों से फूल माला चलाकर श्रद्धांजलि पेश की। दमोह एसपी विवेक सिंह ने मंच से उन शहीदों के नाम पढ़े जो शहीद हो गए। बाद में पुलिस के जवानों द्वारा सलामी दी गई। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख वक्ता डॉक्टर अजय लाल ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, क्योंकि जीवन का जितना समय महात्मा गांधी और उन जवानों के पास था उतना ही समय हमारे और आपके पास है। जीवन में कुछ ऐसा करें जो इन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। गमगीन शहीदी धुन के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर जान दे दी। मैं जो शहीद हुए हैं उनके नामों का वाचन करूंगा। पहला है आंध्र प्रदेश कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल अशोक कुमार, अरुणाचल प्रदेश हेड कांस्टेबल खुंडोंग से कांस्टेबल फोनहांग आई, कांस्टेबल अनिल। चर्चा होना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं हमारा योगदान होना चाहिए, क्योंकि जिनका खून बहा वो भी भारत माता के थे। हमारे रगों में भी भारत माता के प्रति वो समर्पण है और वही खून हमारी रगों में बहता है। एसपी महोदय जो लिस्ट पढ़ रहे थे, इतनी लंबी लिस्ट थी, वो एक व्यक्ति नहीं था परंतु उसके साथ हजारों लोग जुड़े हुए थे। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हम उन सभी शहीदों का जो पुलिस बल से संबंधित हैं, चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे वो स्टेट के पुलिस बल से संबंधित हो, उनको हम याद करते हैं, उनकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये कार्यक्रम 1961 से मनाया जा रहा है पुलिस के शहीदों को याद के लिए, जो ऐसे जो शहीद थे जो हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चाइना की सेना से, उन्होंने पुलिस बल के होते हुए भी चाइना की सेना से लोहा लिया था, उनकी याद में स्टार्ट किया था और प्रतिवर्ष उसको हम मनाते हैं। इस वर्ष भी हमने पूरे देश भर के जो हमारे पुलिस बल के शहीद थे उनको याद किया। हृदय को पीड़ा होती है, हम सब भारत भूमि से जुड़े हुए हैं और हमारे चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे सीमा पे तैनात जवान हो, किसी न किसी के माता, किसी न किसी के पिता हैं, किसी के ऊपर माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, हम सबको उस पीड़ा का एहसास होता है
पर ऐसे कार्यक्रमों तक हमारी पीड़ा और संवेदना सीमित ना रहे। हमारी क्या जिम्मेदारी है ऐसे परिवारों के प्रति, हमारी सामाजिक संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है, भारत के नागरिक होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस बात का एहसास हो। योगी सरकार स्वच्छता अभियान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने बुंदेलखंड में बसे सभी गांवों में शौचालय व स्वच्छता अभियान के लिए पैसा दिया। गांव के प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर पैसा तो निकाल लिया, लेकिन पैसा निकालने के बाद भी दोनों ने गांव में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की है। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार लगभग सभी ग्राम सभाओं में गाँव में गलियां तो हैं, लेकिन हर गली में कीचड़ भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी योगी के स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बिसंडा विकास खंड के ग्राम पंचायत भदेदू का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत को उजागर करने के लिए काफी है। गांव के प्रधान सरकारी पैसों को गांव के विकास की जगह अपने विकास में ज्यादा लगाते दिखाई दे रहे हैं। जिस ग्राम सभा में नाली की जगह गलियों में पानी बह रहा हो, उस गांव के विकास की क्या बात करेंगे। रविवार को बिसंडा क्षेत्र के भदेदू गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के चर्चित समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक ने गांव में चारों ओर फैली गंदगी की सफाई खुद की। समाजसेवी ने बताया कि बरसात का मौसम बीत जाने के बाद भी गांव की सफाई ग्राम प्रधान द्वारा नहीं कराई जा रही है। गांव की नालियों में कई जगह पानी का जमावड़ा हो गया है। पानी के जमावड़े से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो गांव में महामारी का रूप कभी भी ले सकती है। महामारी से बचाव के लिए समाजसेवी ने खुद गांव में जाकर नालियों की सफाई करने के उपरांत ग्रामीणों से कहा, स्वच्छता से ही स्वच्छ भारत की कल्पना संभव है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस कार्य में आप ग्रामीणों को बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा, तभी गाँव में साफ सफाई के साथ निरोग समाज की स्थापना संभव होगी। जसपुरा कस्बे के ब्लॉक सभागार जसपुरा में हिंदू हृदय सम्राट कमलेश तिवारी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभागार में उपस्थित लोगों ने अमर शहीद कमलेश तिवारी को नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन धारण किया। सभी लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सभा में अरुण सिंह चौहान, सोमदत्त द्विवेदी, अरविंद सिंह, हिमांशु द्विवेदी, विनय तिवारी, अंकित तिवारी, ज्ञान सिंह चौहान, भगत सिंह, सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे कमलेश तिवारी जी को मैं अपना प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। और ये बड़ी ही दुखद बात है, हमारे कमलेश तिवारी जी का जो मर्डर किया गया है, ये हमेशा बचपन से जब से मतलब जुड़े हमारे हिंदू सभा में, तो हमेशा से हिंदुओं के लिए काम करते रहे, और आज के दिन ऐसी दुर्दनाक हत्या हुई जिसके बारे में जानकारी अभी हो रही है।